T7 न्यूज के इस भाग के प्रायोजक हैं साहिल होंडा। एक्टिवा खरीदने के लिए पेमेंट करें पेटीएम से और 2,500 रुपए का कैशबैक ऑफर, जल्दी कीजिए। जनपद पंचायत केसली में यहां की सीओ अर्चना नागर के बड़े बोल जमकर वायरल हो रहे हैं। जी हां, अर्चना नागर को ज्ञापन देने आए युवाओं को इन्होंने उग्रवादी की उपमा दे डाली। देखिए अर्चना नागर के बड़े बोल। प्रॉपर वे था क्या बताने का, इस तरह का ये सीख रहे हमारे युवा आज का उग्रवादी तरीके। प्रॉपर वे था क्या बताने का, इस तरह का ये सीख रहे हमारे युवा आज का उग्रवादी तरीके। प्रॉपर वे था क्या बताने का, इस तरह का ये सीख रहे हमारे युवा आज का उग्रवादी तरीके। प्रॉपर वे था क्या बताने का, इस तरह का ये सीख रहे हमारे युवा आज का उग्रवादी तरीके। हम आपको यहाँ बता दें कि केसली जनपद की ग्राम पंचायत पटना खुर्द में हो रहे निर्माण कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसकी शिकायत करने के लिए पटना खुर्द से ये युवा केसली जनपद पंचायत सीओ से मिलने आए थे। लेकिन इन युवाओं को जनपद सीओ अर्चना नागर के गुस्से का सामना करना पड़ा। ज्ञापन देखकर जनपद सीओ नाराज हो गई और युवाओं को उग्रवादी की संज्ञा दे डाली। प्रॉपर वे था क्या बताने का, इस तरह का ये सीख रहे हमारे युवा आज का उग्रवादी तरीके। प्रॉपर वे था क्या बताने का, इस तरह का ये सीख रहे हमारे युवा आज का उग्रवादी तरीके। प्रॉपर वे था क्या बताने का, इस तरह का ये सीख रहे हमारे युवा आज का उग्रवादी तरीके। प्रॉपर वे था क्या बताने का, इस तरह का ये सीख रहे हमारे युवा आज का उग्रवादी तरीके। अब ये उग्रवादी तरीका नहीं है, ये भी शांतिपूर्ण तरीका है। मतलब भ्रष्टाचार हुआ है यहाँ तो पुलिस लटकती है, उग्रवादी शासन की नजरों के नीचे कौन सा तरीका है, मतलब भ्रष्टाचार होता रहे। ऐसे पूरी खबर पर गौर करें तो क्या ये मान लिया जाए कि पंचायत स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार से युवाओं को जनपद सीओ के लिए अवगत नहीं कराना चाहिए था। फिलहाल जनपद सीओ अर्चना नागर का युवाओं को उग्रवादी कहना एक प्रशासनिक अधिकारी के किन नियमों और शासकीय आचरण संहिता के किस दायरे में आता है, ये जनपद सीओ खुद समझ सकती है। C7 न्यूज के लिए केसली से दीपक मिश्रा के साथ तनवीर अहमद की रिपोर्ट।